नमस्कार बच्चों, आइए इस वीडियो में हम डीसी सीरीज मोटर के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिकली हम तीन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा स्पीड वर्सेस आर्मेचर करेंट, सेकंड होगा टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करेंट एंड थर्ड होगा स्पीड वर्सेस टॉर्क। इसके लिए कुछ बेसिक इक्वेशंस भी हमें आने चाहिए, जो ऑलरेडी डिटेल्ड वे में आपके साथ डिस्कस पुराने वीडियोस में कर चुका हूं, फिर भी यहां मैं मेंशन कर देता हूं। अगर मैं स्पीड और आर्मेचर करंट के रिलेशन के इक्वेशंस के बारे में बात करूं, तो यहां दो कंडीशंस डेवलप होंगे बच्चों। डीसी सीरीज में दो कंडीशंस डेवलप होने के पीछे रीजन है, बिफोर सैचुरेशन एंड आफ्टर सैचुरेशन। यानी बिफोर सैचुरेशन का मतलब है कि जब तक फील्ड करंट या फिर आर्मेचर करंट के चेंज करने से आपकी फ्लक्स चेंज हो रही है, और आफ्टर सैचुरेशन का मतलब है जब आपका फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, अब आप फील्ड करंट आर्मेचर करंट में कुछ भी चेंज करेंगे उसके स्पीड में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ पे दो प्रकार के कर्व हमारे सामने हैं, दो डिफरेंट रीजंस के कर्व हमारे सामने हैं। यानी सबसे पहला, सेफ स्पीड का मतलब क्या है। डीसी सीरीज मोटर को हम कभी भी नो लोड पे स्टार्ट नहीं करते। नो लोड पे स्टार्ट करने का मतलब है हमने लोड अगर नहीं लगाया तो आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत स्मॉलर होगी, और आर्मेचर करंट की वैल्यू अगर बहुत स्मॉलर है, टेंस टू जीरो है, या फिर यहाँ पे आपके लिए मैं मेंशन कर देता हूँ नो लोड करंट के बराबर है, तो आप देख रहे हैं इस पोजीशन पे जो आपकी स्पीड है कितनी हाई है। तो अगर गलती से आपने हाई रेटिंग के डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पे स्टार्ट कर दिया तो एक्सीडेंट होना मीन्स 100% वहां पे एक्सीडेंट होगा। और इसलिए बच्चों, उससे बचने के लिए हम सेफ स्पीड का कंडीशन समझते हैं कि सेफ स्पीड कितनी रखनी है, और उसके लिए आपको मिनिमम लोड क्या देना है। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस कंडीशन में आप देखेंगे सीरीज मोटर है तो लोड करंट और आर्मेचर करंट सेम होगा, तो जैसे जैसे आप लोड की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी स्पीड में चेंज होगा, उसकी स्पीड में कंट्रोल होगा, ड्रॉप होगा। तो सेफ स्पीड रीजन ये है, इस स्पीड को हम सेफ स्पीड बोलते हैं बच्चों। साथ में ये बिफोर सैचुरेशन का कंडीशन है, और ये जो कंडीशन है वो आफ्टर, ये जो रीजन है दिस रीजन फॉर द आफ्टर सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आई आर ए ड्रॉप है और आई आर ए सी ड्रॉप है सीरीज वाइंडिंग का, ऑलरेडी हम इसके बारे में पहले से ही जानते हैं। आइए दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डीसी सीरीज मोटर में बच्चों जो टॉर्क होगा वो फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट का प्रोपोर्शनल होगा, और यहाँ पे जो फ्लक्स होता है वो फील्ड करंट मीन्स, अगर मैं सीरीज फील्ड करंट बोलू तो उसको आईएससी में बोलूंगा, मीन्स मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि आईएसई ही आईएफ है और यही वैल्यू आईए है। इसीलिए बिफोर सैचुरेशन टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है आईए स्क्वायर का, और ये पैराबोलिक कर्व बनता है। तो आप स्टार्टिंग में देखेंगे यानी सैचुरेशन से पहले तक का जो रीजन है, ये जो कर्व है दिस इज स्टिल बिफोर सैचुरेशन, मीन्स अभी तक आपके फ्लक्स में सैचुरेशन नहीं आया, आपके मैग्नेटिक कोर में सैचुरेशन नहीं आया। तो ओ से ए का जो रीजन है बिफोर सैचुरेशन है, आपका पैराबोलिक है, लेकिन जैसे ए पॉइंट पे पहुंचेंगे वैसे ही आपका फ्लक्स यानी आफ्टर, यहां मैं मेंशन कर सकता हूं बिफोर सैचुरेशन। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मेरा फ्लक्स कांस्टेंट हो गया मींस आफ्टर सैचुरेशन या एट सैचुरेशन, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होगा, और ये स्ट्रेट लाइन का कर्व यहां पे ड्रॉ होगा। तो ए बी रीजन जो है वो आफ्टर सैचुरेशन का कर्व है बच्चों, और जो ओ बी है वो बिफोर सैचुरेशन का कर्व है। अब हम तीसरे कर्व के बारे में समझते हैं, दैट इज स्पीड वर्सेस टॉर्क। ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम नो लोड पे अपने डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि अगर आप लोड कम करेंगे, लोड नहीं लगाएंगे, उस कंडीशन में उसका टॉर्क सडनली हाई होगा, और जब टॉर्क उस कंडीशन में आपकी स्पीड सडनली हाई होगी, और उस कंडीशन में आपका मशीन डैमेज हो जाएगा, कभी भी इफेक्टिव ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जब टॉर्क की वैल्यू स्लो है उस कंडीशन में स्पीड की वैल्यू हायर है, और जैसे जैसे आपकी टॉर्क की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी जो स्पीड है उसमें ड्रॉप हो रहा है। दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इज फॉर डीसी सीरीज मोटर। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।